वह सीबीएसई की परीक्षाओं के बाद बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए स्टेट बोर्ड भी इसी राह पर हैं। पंजाब के शिक्षा मंत्री विजय इंद्र सिंगला ने केंद्र सरकार से सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक की मांग की है। शिक्षा मंत्री ने इसके लिए क्या कहा है, सुन लेते हैं। केंद्र सरकार वालों 12वीं दे एग्जाम्स नू जो कैंसल किया गया है, ये बच्चों की सेफ्टी ते सिक्योरिटी नू देखते हुए एक सही दिशा दे विच कदम है। हमेशा भारत सरकार ने जदों भी कोई फैसला किया है, चाहे कदे GST का किया, चाहे डीमोनेटाइजेशन का किया, कदे भी उस दे उपर कदे प्लान अनवील नहीं किया। अज बच्चों वास्ते भी कोई प्लान अनवील नहीं किया और ये कह दिता कि आने वाले 4-5 दिनों दे विच असीं प्लान करांगे। सानू सब नू पता है कि जिहड़े स्टेट बोर्ड्स हुंदे आ वह भी सेंट्रल बोर्ड के वल देखते हैं, CBSE वल देखते हैं कि असीं अपना अपना की फैसला करना है। तो इस गल नू देखते हुए मैं इमीजिएटली डिमांड करदा हां भारत सरकार तो कि वह इमीजिएटली स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर्स की एक मीटिंग कॉल करन, साडे नाल वार्तालाप करन, ताकि बच्चों का भविख ते बच्चों के नाल जुड़े हुए उन्हां दा जिहड़ा फ्यूचर है, उन्हां दा करियर ओरिएंटेड ईयरस है, उन्हां दा नुकसान ना होवे और एक सही फैसला होके बच्चों के हित में